फिल्म फ्लॉप होने की बारी आई तो आमिर खान को कहना पड़ा मेरा भारत महान है। कभी कहा था मेरी पत्नी को भारत में डर लगता है, अब भावुक होकर राष्ट्रवादी बने। भारत की जनता ने समझाया किसे कहते हैं राष्ट्रप्रेम, तो रोने क्यों लगे आमिर खान। आमिर खान के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें मीडिया के सामने आकर ये कहना पड़ा कि वो सच्चे हिंदुस्तानी हैं? कुछ साल पहले आमिर खान को भारत में डर लगता था, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो भावुक होकर देश की जनता से कहते हैं कि उनके सीने में राष्ट्रप्रेम की कमी नहीं है? फिर आमिर की राष्ट्रभक्ति पर क्या आपको इसलिए शक हो रहा है क्योंकि ये राष्ट्रप्रेम तब जागा है जब आमिर खान को सैकड़ों करोड़ का नुकसान होने वाला है। जिस देश में उन्हें डर लगता है उसी देश की जनता उन्हें सुपरस्टार वाली कुर्सी से उतारने वाली है, या बात कुछ और है? ये नया हिंदुस्तान पुराना हिसाब पूरा कर रहा है। भारत की जनता ने कहा हम आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा नहीं देखेंगे। आमिर राष्ट्रहित की बात नहीं करते हैं इसलिए फिल्म न देखने की मांग हो रही है। इस बात से बेहद आहत आमिर खान मीडिया के सामने आए भावुक होकर कहना पड़ा। जब लोग बॉलीवुड और लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार करने की बात करते हैं तो मुझे दुख होता है, खासकर तब जब लोग मेरी फिल्मों को इस वजह से बॉयकॉट करने की डिमांड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उन लोगों के लिस्ट में शामिल हूं जो भारत को पसंद नहीं करते। लेकिन ये सच नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है, कृपया मेरी फिल्म का बहिष्कार न करें, कृपया मेरी फिल्म देखें। अब हम आपको बताते हैं कि आमिर खान को देश की जनता भारत विरोधी क्यों मानती है और भारत की जनता उनकी फिल्म क्यों नहीं देखना चाहती। आमिर खान का वो बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी पत्नी को भारत में बहुत डर लगता है, भारत रहने लायक नहीं है। उस बयान के बाद से ही आमिर खान देश की जनता के दिल से निकल गए। भारत की जनता ने आमिर खान, सलमान, शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार दिए, बैंक अकाउंट को अरबों की संपत्ति से भर दिया। अब कुछ फैक्ट ऐसे दिखाने वाले हैं जिसके बाद आप कहेंगे सच में आमिर कभी सच्चे राष्ट्रप्रेमी नहीं हो सकते। फिल्म पीके में एक हिंदू लड़की का सरफराज नाम के मुस्लिम लड़के से प्यार करना, सरफराज कभी धोखा नहीं दे सकता, ऐसा जानबूझकर कहा गया। संत को मक्कार समाज विरोधी दिखाया गया, पूजा पाठ करने वाले हिंदुओं को बेवकूफ दिखाया गया, शिवलिंग पर दूध चढ़ाना गलत बताया गया। पीके फिल्म में एक धर्म को लेकर ही एजेंडा रचा गया था। आमिर खान से देश बुरी तरह से चिढ़ गया। फिल्म तो हिट हुई पर आमिर फ्लॉप होने लगे। देश में हिंदुओं के बलबूते सुपरस्टार बने आमिर खान जब बदले में उन्हीं हिंदुओं को पीके जैसी फिल्म देते हैं तो क्या उनकी आलोचना नहीं हो? असल में लोगों का गुस्सा आमिर खान या उनकी फिल्म से नहीं है, किसी एक सितारे या मूवी से नहीं है, बल्कि पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से है। किस तरह से इस इंडस्ट्री में हिंदू संस्कृति को बदनाम किया जा रहा है इससे है। लोगों को दिक्कत है कि फिल्मों में आतंकियों के महिमामंडन से लेकर अपराधियों तक को नायक की तरह क्यों पेश किया जाता है। आमिर खान ने भारत विरोधी तुर्की में जाकर किस तरह वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की और वहां के पर्यटन को प्रमोट किया, इससे भी उनके अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी एजेंडे को समझा गया। पाकिस्तान का यार तुर्की अक्सर कश्मीर आग अलापता है और भारत के मुस्लिमों को भड़काता है। नुपुर शर्मा के बयान पर भी तुर्की उछल रहा था। तुर्की की प्रथम महिला एमीन अर्दोगन से आमिर खान 15 अगस्त 2020 को मिले थे। लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग वहां हुई। आमिर खान की पूर्व पत्नी के संगठन के पांव वहां जमाने को लेकर बातें हुई। 11 अगस्त को आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज होगी। सोशल मीडिया पर लोग अपील कर रहे हैं कि अगर सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो फिर आमिर खान की फिल्म मत देखना। ये कुछ पोस्टर वायरल हैं जिसमें दिखाया गया है कि साउथ की फिल्मों में सुपरस्टार राम बनते हैं और बॉलीवुड भगवान को खोजता है, पोस्टर चिपकाता है। फर्क साफ नजर आया है, जो भारत की सभ्यता को मिटाने निकलेगा देश की जनता उसे खुद मिटा देगी। आमिर खान की राष्ट्रभक्ति आपको सच्ची लगती है या धंधे में घाटा ना हो,